हाउ टू अप्लाई डेबिट कार्ड डिस्काउंट ऑफर अमेजोन। अमेजोन पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट ऑफर कैसे अप्लाई करें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट कैसे अप्लाई करें, आइए जानते हैं। ऑफिशियली एक्चुअली में क्या इस टाइम पे ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है जो कि अमेजोन के अंदर, और आप सभी दोस्तों को यहाँ पर बताया गया है यदि आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि गाइस यहाँ पे किसी प्रकार का प्रोडक्ट को बाय करने में। अब गाइस आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे डिस्काउंट अप्लाई करना है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है। आप बेसिक सी बात है, वो डेबिट कार्ड वही होता है जो ATM कार्ड होता है। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने किसी भी प्रकार का एक प्रोडक्ट को पसंद करना है। आप 10% डिस्काउंट का मतलब ये है, पता है क्या, 100 रुपये पे आपको 10 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, ये इसका मतलब है। मतलब हम सभी दोस्तों के हिसाब से, ठीक है, अगर मान लो 10,000 का कोई भी चीज़ बाय करे तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप लोग ऐसे यहाँ पे 40,000 रुपये का कोई भी फ़ोन बाय करते हो तो आपको ऐसे 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब गाइस यहाँ पे ये हम लोग काफ़ी वाले सोचते हैं क्या ऐसे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन डिस्काउंट कैसे मिलता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और डिस्काउंट कार्ड कैसे अप्लाई करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आईफोन को चॉइस कर लेता हूं, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड ये इंटरफेस देखने को मिलेगा आईफोन। तो मान लो गाइस यहाँ पे इसको बाय करना है, वो भी डेबिट कार्ड के थ्रू। फॉर एग्जांपल के लिए डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, सेम ट्रिक होने वाली है, और किस कार्ड पे कितना डिस्काउंट मिलेगा वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे एक साइड में आना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बाय नाउ, तो बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको इधर चले आना है। आने के बाद में फ्रेंड आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, पेमेंट मेथड होने वाला है। अब आपको यहीं पे क्या करना है, कार्ड को ऐड करना आएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे बताया गया है पेमेंट करने को, तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे के साइड में आना है। फ्रेंड आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है, जो आपके पास में ATM कार्ड डेबिट कार्ड है ना या फिर क्रेडिट कार्ड है ना, उसे ऐड करने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कार्ड नंबर नहीं, सबसे पहले आपको डालना है नाम। अब जो भी आपके क्रेडिट कार्ड में नाम हो वो आपको यहाँ पे नाम डालना है, नाम डालना है, और प्लस गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालना है। अब बेसिक सी बात है गाइस, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, सेम चीज़ होने वाली, आपको डाल देना है। डालने के बाद में नीचे साइड में आपको एक्सपायरी डेट डालना है, जो भी आपके कार्ड में लिखी हुई होती है तो वो आपको डेट डालना है, वैलिडिटी डेट, ठीक है। आपके कार्ड में लिखा होगा वैलिडिटी डेट, जैसे कि गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो डेट लिखी होती है ना यहाँ पे, तो इसको यहाँ से फिलअप करना है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिलअप कर लेते हैं। के बाद में आपको एंटर कार्ड डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जो कि फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये आपका कार्ड है आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंटर CVV नंबर डालना है। अब इंटर CVV नंबर क्या होता है, आपके कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है, ये वाइट पट्टी में मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये जो नंबर वाइट पट्टी के बगल में लिखा हुआ होता है ना, करीब 3 डिजिट का होगा, तो आपको वो नंबर इंटर करना है। करने के बाद में अब यहीं से आपका कार्ड होने वाला है, कर लिया, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड इतना करने के बाद में आप सभी दोस्तों को कार्ड आपका मतलब ऐड हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब मैं फ्रेंड आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिखा रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा, ओके। अब सबसे पहले गाइस यहाँ से मैंने इसको मतलब कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद में ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब पेमेंट प्रोसेस आ चुका है। अब वेरीफिकेशन के लिए आपके उसे मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वो जो बैंक से लिंक होगा, ओके। यहाँ पे OTP डालने के बाद में आप सभी दोस्तों के सामने एक नया इंटरफेस, OTP फ्रेंड डाल दिया, मेक पेमेंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब ये पेमेंट आपका सक्सेसफुली होने वाला है, ठीक है। आपका गाइस यहाँ पे अमेजोन से आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर पाओगे। अब इसमें डिस्काउंट मेरे को कितना मिला है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को फ्रेंड यहाँ पे डिस्काउंट मिला है 12 से 50 रुपये का, जो कि इंस्टेंट। अब दोस्तों आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, डेबिट कार्ड पर कम मिलेगा, करीब 500 रुपये का एयरफेयर रहेगा, ठीक है। सो दैट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा ऑर्डर है,
प्लेस हो चुका है इजीली। अब ये हमारा ऑर्डर है कल के दिन हमारे पास में आ जाएगा, टुमारो। ओके, सो दैट यहाँ पे आप लोग उसके बाद में आप लोग फ़ोन को बाय कर पाओगे और आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है फेस करने को नहीं मिलेगा। एंड आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हो हमारा जो ऑर्डर है सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, अब आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, यदि फ्रेंड आपके पास में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, आपके पास में डेबिट कार्ड है तो गाइस यहाँ पे 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब मान लो यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। अब डिस्काउंट ये तब मतलब ये इतना मिलेगा जो आपके कार्ड के ऊपर लिमिट एक होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप लोग गाइस यहाँ पे आपकी बैंक आपको हो सकता है 3000 का डिस्काउंट दे दे या फिर 4000 का दे दे, वो आपके ऊपर आपकी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी बैंक में कितना गाइस यहाँ पे लेन देन करते हो। ओके, सो दैट यहाँ पे मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए। बाकी मेरे को गाइस यहाँ पे 1250 रुपये का डिस्काउंट मिला है डेबिट कार्ड से। ओके, सो दैट मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक लेट थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।